वो हो गया है और अब नीतीश कुमार को एक बार फिर पार्टी की दोबारा कमान सौंपी गई है। देखिए, जेडीयू बिहार की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ और फिर से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे, उनको ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, कुछ नहीं बनाया उनको। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था, हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी अपनी पार्टी के, और बिहार में क्योंकि बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने वाली है तो जो हार होगा उसका ठीकरा भी उन्हीं के कंधे पर फोड़ा जाएगा, तो इससे कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं है। पहले भी ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी मानी जाती थी, जिस तरह बसपा बहन जी की पार्टी, सपा अखिलेश जी की पार्टी और ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, इससे बिहार की राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।